रीवा जिले में टिड्डियों के दल ने दस्तक दी। यह दल सिमरिया के रास्ते आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरा दल गुड़ होकर सीधी की तरफ बढ़ गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। टिड्डियों के आतंक से रीवा भी अछूता नहीं रहा। जिले के सिमरिया की ओर एक दल ने दस्तक दी। इस समय देश में टिड्डी का आतंक छाया हुआ है। राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग से प्रवेश करके टिड्डी दल मध्य पूर्व की ओर बढ़ गया। यह दल 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा, 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। हम आपको बता दें, यह दल रात में जिस खेत में बैठता है पूरा का पूरा चट कर जाता है। इसी दौरान मादा 500 से 1500 तक अंडे भी देती है। प्रतिदिन अपने वजन के बराबर हरा चारा खाती है। इनके आगे बढ़ने की रफ्तार 7 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इनसे बचाव के उपाय तत्काल नहीं अपनाए गए तो खेत में कुछ नहीं बचता। आवाज करके दवा को छिड़क के इनसे बचा जा सकता है। बाइट दे बाद यह अधिकारी ने उनको बोल दिया, बोल दिया तो जानकारी मिल गई थी कि सतना के अमर पाटन तहसील के कटिबाह गांव में टिड्डी दल ने रात में विश्राम किया है और प्रातःकाल में टिड्डी दल के रीवा जिले में आगमन की पूरी संभावना थी। तो हमने रात से ही व्यवस्था बना ली थी। तब रात में ही सतना जिले में 2 फायर ब्रिगेड भेज दी और उसके संबंध में साथ ही पूरे जिले में हमारा पूरा फील्ड हमला, राजस्व का हमला, जनपद का हमला, कृषि विभाग का हमला, वन विभाग का हमला, वैज्ञानिकी विभाग का हमला, सभी लोगों को और उनके माध्यम से आमजन को भी जागरूक कर दिया था। जहाँ भी टिड्डी दल का प्रवेश हो तो वो तेज आवाज़ में शोर करने वाले जितने भी यंत्र हों वो बजाएं और साथ ही तेज शोर करें। और इसके साथ ही हमने यह भी व्यवस्था बना दी थी कि कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ट्रैक्टर के माध्यम से, स्प्रेयर के माध्यम से स्प्रे कराएंगे और फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी की बौछार कराएंगे। ये सारी व्यवस्थाएँ हमने पहले से ही कर रखी थी। सुबह लगभग 8:15 के करीब टिड्डी दल का जिले में प्रवेश हुआ है और प्रवेश के पश्चात वो गोविंदगढ़ कमरा होते हुए और गुण क्षेत्र में प्रवेश करके और फिर वो आगे की ओर डार की ओर से आगे बढ़ती गई है और फिर सीधी जिले में 75 की ओर उसका प्रवेश हुआ है। और इस तरह से हमारे यहाँ पूर्ण व्यवस्था थी और पूरा हमारा कमरा, राजस्व कामरा, कृषि विभाग कामरा, सभी लोग लगे हुए थे और उनके सभी के सहयोग से टिड्डी दल का यहाँ से भेजा जाता। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।